What's up people, welcome back to the channel, welcome back to another video, another vlog. So guys, अभी मैं जा रहा हूँ स्कॉडा के सर्विस सेंटर, बिकॉज एज यू नो स्लाविया जब लॉन्च हुई थी तो इसके बोनट के अंदर कोई हीट शील्ड या नॉइस रिडक्शन शील्ड, कोई ऊपर ब्लैंकेट नहीं था, तो अब वो अवेलेबल है एज एन एक्सेसरी, तो मैं वो जा रहा हूँ लगवाने। कल रात को ही मुझे पता लगा, एक्चुअली कल ही आया सर्विस सेंटर में भी, तो मैं अभी जा रहा हूँ लगवाने। सबसे पहले वहाँ चलते हैं, वो लगवाते हैं, उसके बाद आज गाड़ी डी क्रोम भी करवाएंगे और इसकी एक दो चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। जो मैंने हेडलाइट का आपको रात को इसका आउटपुट नहीं दिखाया था लास्ट वीडियो में, वो भी दिखाऊंगा। एंड इसका जो टू सिलेंडर मोड है वो कब और कहाँ काम करता है वो भी ट्राई करूंगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। जो चीज़ रह जाएगी उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, बट आई विल ट्राई कि सारी चीज़ें इसी वीडियो में दिखाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आई एम एट द स्कॉडा सर्विस सेंटर राइट नाउ और ये है इसकी हीट शील्ड, जो ब्लैंकेट है जो पहले से नहीं आता गाड़ी में और पहले ये अवेलेबल भी नहीं था, बट एज यू कैन सी अब ये आ गया है, स्कॉडा ने लॉन्च कर दिया है। और सबसे बढ़िया बात है कि ज़्यादा महंगा नहीं है, जेन्युइन स्कॉडा का पार्ट है ये देखो, ठीक है। और MRP है 897, तो 900 रुपये का है, तो है तो ये स्लाविया के लिए, बाकी अभी जब लगेगा तो पता लगेगा। तो अभी जब ये फिट होगा तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ये उतार दो भैया, ये फिर गर्म होके जलेंगे। ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा, ये अंदर है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक क्लिप रह गया भैया इसका, क्लिप आया नहीं रहेगा, एक बार देख लो अंदर मिल जाए। एनीवेज एक क्लिप जो है वो अभी लग जाएगा, बट या एज यू कैन सी इंस्टॉल हो गई है और अब काफ़ी सही है। मतलब मैं तो पहले से ही सोच रहा था कि खुद से यहाँ तो यहाँ पे साउंड डैम्पिंग करवाऊँगा, बट अब ये स्कॉडा ने खुद ही लॉन्च कर दिया, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। तो मैं गाड़ी चला के देखूंगा कि मुझे नॉइज़ में कुछ डिफरेंस लगता है। वैसे इंजन नॉइज़ अंदर वैसे ही बहुत कम आती है, बट जितनी भी आती है उसमें कुछ डिफरेंस लगता है या नहीं। सो गाइज, वी आर डन विद द बोनट हीट शील्ड जो हमने लगवा लिया है। अब मैं थोड़ी गाड़ी चला के फिर आपको बाद में बताऊंगा कि इससे मेरे को नॉइज़ में या किसी चीज़ में कुछ डिफरेंस लग रहा है या नहीं। बट नाउ वी आर गोइंग टू गेट द कार डी क्रोम्ड। अब चलते हैं और गाड़ी को डी क्रोम करवाते हैं। सबसे पहले मेरा फ़ोन बज गया, सॉरी अबाउट दैट। एनीवेज, तो चलते हैं गाड़ी को डी क्रोम करवाते हैं एंड रात को आपको इसकी हेडलाइट का आउटपुट वगैरह भी दिखाऊंगा। सो पीपल, सुबह से हो गई है शाम, आई एम फाइनली हेयर। अब गाड़ी डी क्रोम कराने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ग्रिल खोलनी है, तो ग्रिल खोलते हैं, ट्राई करता हूँ मैं खुद खोल सकता हूँ, तो अगर खुद खोलता हूँ नहीं तो भैया को बोलता हूँ खोलेंगे। एंड उसके बाद इस पर या तो ग्लॉस ब्लैक रैप होगा या सैटिन ब्लैक होगा, लेट्स सी। एंड साइड का देखते हैं, अगर आज हो पाया, टाइम मिला, क्योंकि जो भैया आए हुए हैं डी क्रोम करने वो ऑलरेडी किसी गाड़ी में काम कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम हुआ तो ये सब भी डी क्रोम करवाएंगे। सभी बल स्लाइड चेंज ऑफ प्लान्स, पहले ग्रिल खोल के करने का प्लान था, लेकिन जब ग्रिल खोलने लगे तो पता लगा उसके लिए बम्पर पूरा खोलना पड़ेगा और ग्रिल के जो लॉक्स हैं इतने हार्ड हैं, स्कॉडा ही क्वालिटी यू कैन से, कि खोलना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। मतलब बम्पर खोलना, ग्रिल निकालने में आई थिंक 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लग जाता। तो अब डिसाइड किया कि ऐसे लगे लगे ही रैप करते हैं, जहाँ एज जाएगा वहीं पे कट मारना पड़ेगा। फिर जब अगर फ्यूचर में गाड़ी अगर रैप होगी तब खुलेगी, तब उसको कर लेंगे, बट फिलहाल ये प्लान है कि ऐसे ही इसको रैप कर देते हैं। 3 hours later. सो गाइस, फाइनली रैपिंग ऑफ द ग्रिल इज कंप्लीटेड एंड ऐसी लुक आ रही है। आगे से ये क्रोम तो हट गया है, अब फॉग लैंप के ऊपर जो है वो हटाना है, बट उस पर स्मोक टेप होगी। आज अभी देखो इतना टाइम हो गया, अराउंड देख रहे हो 8:49 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, और शाम से हमें 3 घंटे से इसको करने में लग गए। बाकी और अभी डी क्रोमिंग कहीं नहीं हुई, साइड सारी वैसी वैसी हैं, तो मे बी वो बाद में करेंगे। अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ और इसका जो नाइट आउटपुट है हेडलाइट का वो भी मैंने आपको दिखाना है, तो वो आपको दिखाता हूँ।
सो पीपल आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ और बाहर देख लो कितनी रोशनी है और जितनी भी है ना ये DRL से आ रही है। अगर मैं गाड़ी बंद कर दूं ये देखो ऐसे है, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये देखो ये DRL की लाइट है। अब मैं इसको करता हूँ ऑटो पे, ठीक है। ऑटो पे करते ही ये हो गई हेडलाइट ऑन। सो दिस इज अ लो बीम, अगेन बहुत ही इफेक्टिव है। पता नहीं वीडियो में जस्टिस हो रहा है कि नहीं, साइड से आप कट ऑफ देख सकते हो ये देखो। एंड अब मैं हाई बीम करता हूँ ये देखो, सो यू कैन क्लियरली सी सामने कितनी दूर तक जाती है वो देखो। पीछे मुझे लग रहा है गाड़ी आ गई है, नहीं नहीं आई, चलो अच्छी बात है। तो ये देखो ये है हाई बीम, तो इतनी दूर से पता ही नहीं लग रहा कि इसकी लेज़र फोकस है। बट मैं आपको एक वॉल पे भी अभी दिखाता हूँ, बट अगर मैं डिपर मारूँ ये देख रहे हो कैसे फ्लैश मारती है। सो इट्स प्रीटी इफेक्टिव। अब चलते हैं आगे, ठीक है। एंड मैं इसके एक बार फॉग लैम्प भी ऑन करके दिखाई देता हूँ आपको, बट उनका होना ना होना कुछ फ़ायदेमंद है नहीं। ये देखो फॉग लैम्प ऑन है इस टाइम, साइड पे आपको शायद हल्का दिखेगा, ये ऑफ हो गए ये ऑन हो गए, दैट्स इट। तो फॉग लैम्प किसी काम के नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो उसमें मैं प्रोजेक्टर लगाने वाला हूँ वेरी सून। अब मैं आपको एक बार इसका रनिंग शॉट दिखा देता हूँ। एक्चुअली ना सामने प्लॉट में ही चलते हैं, नहीं यार वहाँ पे वॉल नहीं है। सो हे वी गो गाइस, दिस इज द आउटपुट। एक बार ऑफ करता हूँ लाइट, अगेन DRL हेडलाइट्स। तो यहाँ भी आउटपुट काफी अच्छा दिखेगा ये देखो। मुझे सामने कोई वॉल नहीं दिख रही जहां पे मैं आपको इसका दिखा पाऊं, बट लेट मी ट्राई। हाँ यहाँ सामने वॉल है, तो आपको मैं लेजर हाई बीम जो है इसकी वो दिखा पाऊंगा। अब आप देख सकते हो, अब ये देख रहे हो सामने जो दो पॉइंटर्स बन रहे हैं। मैं और पास जाता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पे ये और ये सर्कल दिख रहे होंगे। सो एज यू कैन सी गाड़ी आ गई है, सो मुझे गाड़ी बैक करनी पड़ेगी। लेट देम पास। सो गाइस ये देखो, ये आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, एक ये एक ये। सो दीज आर द लेजर हाई बीम्स। तो ये अभी आपको दो दिख रहे हैं, बट ये जितना दूर होता जाएगा ना, ये मतलब इनकी अलाइनमेंट ऐसी है कि ये सामने दूर जाके ऐसे एक सिंगल बीम बन जाते हैं। सो अगेन वेरी इफेक्टिव हाई बीम। द सेकंड थॉट गाइस, आई एम थिंकिंग कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। एंड जो टू सिलेंडर मोड वाला टॉपिक है ना, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को खोलेंगे ही नहीं, बिकॉज मैं उसके टाइटल में पता नहीं डालूंगा कि नहीं डालूंगा टू सिलेंडर मोड का इशू, एंड मे बी दे विल मिस आउट। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि वो कब कब एक्टिवेट होता है एंड उसकी क्या RPM रेंज है, कब वो एक्टिवेट रहता है, कब डीएक्टिवेट होता है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूँ मैं सेपरेट। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लेट मी नो कि ये वीडियो कैसी लगी एंड आप और क्या क्या देखना चाहोगे। आज हमने इसको आगे से जो ग्रिल है वो डीक्रोम करी एंड इसकी जो हीट शील्ड है वो लगाई। मैंने आपको इसके हेडलाइट का आउटपुट भी दिखा दिया। बाकी इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।